ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है अनुपातों ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि दो समीकरण दिया हुआ है ठीक है, द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, पहला कंडीशन है प्रतिच्छेद करती है, दूसरा समांतर है या फिर संपाती है, ये आपको बताना है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने बेसिक में आप लोगों को मैंने बताया था, तो ये देखिए यही हमारा चार्ट था। ओके, और मैंने कहा भी था इसे आप लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये रहा एक, तीन कंडीशन इसमें होता है, एक ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो प्रतिच्छेदी होता है हमारा ग्राफीय निरूपण। ओके, यही आपको बताना है, यानी कि इसी में आपको आंसर देना है, ये जो है आपको दिख रहा है इसी में आंसर देना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन रहा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, अगर ये कंडीशन रहा तो संपाती रेखाएँ कहलाएगी, अगर ये कंडीशन रहा तो समांतर रेखाएँ कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ग्राफीय, यहाँ पर ग्राफ बना करके मैंने शो भी कर दिया कि इस तरह का जो है हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, हर किस कंडीशन में किस तरह का ग्राफ बनेगा मैंने यहाँ पर समझा रखा है। ठीक है, तो पहला वीडियो आप देख लेना, इसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन पे, और प्रतिच्छेदी समांतर और समांतर और संपाति हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन मैंने ये ले रखा है फाइव एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू एट इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या है सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से इसमें क्या हो गया ए वन, ये हो गया ए वन बी वन सी वन, ये हो जाएगा ए टू बी टू सी टू। ओके, तो ए वन पहला समीकरण में ए वन क्या हो जाएगा फाइव, ए टू और बी वन क्या हो जाएगा, बी वन हो जाएगा माइनस फोर और सी वन इक्वल टू एट। इसी प्रकार सेकंड समीकरण में देखिए ए टू हो जाएगा, ए टू कितना हो जाएगा भाई सेवन है ए टू, और बी टू क्या है, बी टू हमारे पास सिक्स है और सी टू क्या है, सी टू हमारे पास माइनस नाइन है। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पे फाइंड करेंगे ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे। ठीक है, तो ए वन क्या है फाइव, ए टू क्या है सेवन। ओके, ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो यहीं तक इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है बी वन अपॉन बी टू, बी वन क्या है माइनस फोर अपॉन सिक्स, इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री आएगा क्योंकि ये कटेगा दो दूनी चार दो थी अच्छे। ओके, इस प्रकार माइनस टू बाई थ्री आएगा। अब ये देखिए तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के। ओके, यानी कि सी वन और सी टू निकालने की जरूरत नहीं, जब ये एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं तो पहला ही कंडीशन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, है ना, बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं है। ओके, तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफीय निरूपण होता है कैसा होता है तो आप याद कीजिए, अगर इस कंडीशन में आता है तो हमारा ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए देयरफॉर इसीलिए प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेद करती है, इस तरह लिख लेना है आपको। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करती है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सेकंड समीकरण हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था। ओके, इसमें ए वन क्या हो गया ए वन इक्वल टू नाइन, बी वन इक्वल टू प्लस थ्री, ओके सी वन इक्वल टू ट्वेल्व। इसी प्रकार सेकंड समीकरण में अब जाते हैं ए टू हो जाएगा, ए टू इक्वल टू क्या है एटीन अठारह, बी टू क्या है सिक्स प्लस सिक्स है, ठीक है सी टू क्या है ट्वेंटी फोर। ओके, आइए अब इसका यहाँ पे इसे यहाँ पे फाइंड करते हैं ए वन अपन ए टू, यानी कि नाइन बाई एटीन, इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा वन बाई टू आएगा। ठीक है, इसी प्रकार बी वन अपन बी टू, ओके यानी कि इससे थ्री बाई सिक्स हो गया बी वन अपॉन बी टू, इसे भी कैंसिल करेंगे तो ये भी वन बाय टू आएगा। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे सी वन अपॉन सी टू, यानी कि ट्वेल्व बाय ट्वेंटी फोर बारह बटा चौबीस, इससे भी जब कैंसिल करोगे वन बाय टू आएगा। ठीक है, तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, इसे कैंसिल ही कर दो, दो से कट जाएगा नौ दुनिया अठारह, नौ इकाई नौ, नौ दुनिया अठारह, तीन इकाई तीन, तीन दुनी छः, ओके बारह इकाई बारह, बारह दुनी चौबीस। तो इस प्रकार ये वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू सब में आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ए वन बटा ए टू इक्वल टू बी वन बटा बी टू इक्वल टू सी वन बटा सी टू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि ए वन बटा ए टू इक्वल टू बी वन बटा बी टू इक्वल टू सी वन बटा सी टू है। ठीक है, ये आपको आपका आया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका ग्राफ जो है कैसा होता है भाई, ये देखिए
इस कंडीशन में आपका ग्राफ संपाती होता है, ठीक है, यानी कि पहले समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों जो है एक दूसरे पे ओवरलैप होता है, ठीक है, मैंने बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका संपाती रेखाएँ कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्या है भाई, संपाती है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको लिखा होता है संपाती है, ये भी बताना है अगर संपाती है तो ये तो संपाती है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे संपाती है, इसलिए देयरफॉर, इसलिए संपाती संपाती है, ठीक है, संपाति है, ओके। तो यही हो गया इसका आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में ए वन क्या हो गया, ए वन इक्वल टू 6 हो जाएगा, बी वन इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा और सी वन इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन लगता है कि अगर ये 10 इस साइड रहे तो क्या होगा। देखिए अगर ये जो हमारा 10 और 9 है ये अचर पद है, कॉन्स्टेंट है, अगर इसको आप बराबर के उस साइड रख रहे हो तो दूसरे वाले समीकरण वाला जो कांस्टेंट है अचर पद है उसको भी उसी साइड रखोगे, ओके। तो इस प्रकार आपका गलत नहीं होगा, ओके। ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ऑब्वियसली ये वापस क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ए टू क्या है, 2 है, बी टू इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, कोफिशियंट गुणांक 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, ओके। सी टू क्या हो जाएगा, 9, ओके। आइए इसका हम यहाँ पे ए वन अपन ए टू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6/2, इसे कैंसिल करोगे तो आएगा 3, ओके, 2 3 6, ओके। इसी प्रकार बी वन अपन बी टू निकालो, -3/-1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3, ओके। इसी प्रकार सी वन अपन सी टू निकालो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10/9, ओके। यानी कि क्या आ रहा है, ये ए वन अपन ए टू इक्वल टू बी वन अपन बी टू तो है लेकिन नॉट इक्वल टू सी वन अपन सी टू है। तो यहाँ पे आप नीचे लिखोगे, यहाँ पे आप नीचे लिख लेना, चूंकि ए वन बराबर बी वन बटा बी टू लेकिन नॉट इक्वल टू सी वन अपन सी टू। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होता है कैसा होता है, आप ग्राफ याद करो, इसका ग्राफ जो कहलाता है ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है, ओके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट, वो चार्ट आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, इसीलिए मैंने क्लियरली बता दिया था आपको, ओके। अब यहाँ आप देखिए ये कंडीशन यहाँ पे लग रहा है तो क्या होता है, हमारा ग्राफीय निरूपण समांतर होता है, ठीक है, यानी कि इस तरह का ग्राफ हमारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप समांतर, ओके, तो यहाँ पर लिख दोगे इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए संपाती है, ठीक है, संपाती है, यही हो गया इसका आंसर, ओके। इसी तरह आपको बनाना है जैसे मैंने बताया है, ओके।